और हरदा का जिक्र करेंगे, पटाखा फैक्ट्री में मलबे में एक और शव पाया गया है और अब तक 12 शव कुल मिलाकर बरामद किए जा चुके हैं। ये अपडेट निकलकर सामने आती हुई अब कुल मिलाकर 11 लोगों की मौत इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट हुई है। कई ऐसे घायल लोग हैं जो अभी भी गंभीर स्थिति में अस्पताल में इलाजरत हैं। इससे पहले भी आपने देखा है हमीदी अस्पताल में भी 11 लोगों को लाया गया था और अब जब मलबा धीरे धीरे हटाया जा रहा है तब ये पता चल पाया है कि कुछ और शव नीचे दबे हुए हैं। एक और शव बरामद किया गया, मौत का आंकड़ा बढ़ा है, 12 लोगों की मौत अब इस पूरी घटना को लेकर कही जाएगी क्योंकि आंकड़े में एक शव का और इजाफा। कई ऐसे लोग जो गंभीर तौर पर घायल हैं फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं, बहुत ज्यादा जल चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग जो कि उस दौरान फैक्ट्री से बाहर नहीं आ पाए, जलने की तरफ से दर्दनाक मौत। सहयोगी प्रवीण हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है, उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रवीण, एक तरफ मलबा लगातार हटाया जा रहा है, एक और शव मिला है, मान सकते हैं कि कुछ और लोग हो सकता है कि दबे हुए हों? जी अवंतिका जी, हरदा में जो फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था उसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की गई थी और इस मामले को लेकर लगातार जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन और बचाव कार्य भी चला। इसमें अभी तक पूर्व में अगर हम कल तक की बात करें तो 11 शव वहां पर मिल चुके थे, 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी थी। आज जब मलबा हटाया गया तो फैक्ट्री के पास जो मलबा था उसके पास में एक शव और मिला। शव जो है काफी क्षत विक्षत हालत में था और काफी उसकी स्थिति दयनीय थी। अब उस शव को जो है यहाँ पर जिला अस्पताल लाया गया, फिर उसकी पहचान के प्रयास किए जाएंगे कि ये शव किसका है। अगर कोई गुमशुदगी किसी व्यक्ति की अगर कोई आके बताता है तो उसके डीएनए से भी उसको मैच करने की कार्रवाई की जाएगी क्योंकि शव को पहचानना बहुत मुश्किल है। अभी लगातार वहां पर जो है मलबा हटाने का काम अभी जारी है। हालांकि जो बाहर से जो अमला आया था यहाँ पर बचाव कार्य और राहत कार्य को लेकर, वो अमला जो है कल रात से ही लौटना यहाँ पर शुरू हो गया है और अभी वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी अभी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर शव वाहन के यासीन जी। अभी आप क्या यहाँ पर कैसे आए थे? एक बॉडी मिली है वहाँ पर बेड़ागढ़ में फटाखा में मकान के अंदर, जिसको हम लेकर आए हैं, अब उसकी पहचान करवाना है। किसकी होगी बॉडी, महिला है? महिला है। महिला है। प्रवीण, गुमशुदगी इस मामले में जो नई बात पूरी चली लिस्ट कि शव तैयार की गई है क्या? है ये आसपास के लोगों से पूछा गया है क्या कि आपका कोई परिजन गुमशुदा तो नहीं है? जी हाँ, न्यूज 18 ने सबसे पहले यहाँ पर एक जावेद नाम के व्यक्ति थे, उनकी जो है माँ जेबुन भी 55 साल की थी, वो फटाखा फैक्ट्री की कर्मचारी थी, वो गुमशुदा थी, वो लापता हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ना तो वो घायलों की सूची में थी ना अस्पताल में मिली थी। जावेद ने इस मामले को लेकर न्यूज 18 को बताया था और उन्होंने प्रशासन से उनकी माँ को खोजने की गुहार की थी। तो एक आशंका जाहिर की जा सकती है क्योंकि महिला का शव है, तो जावेद को लाकर जो है यहाँ पर उसके प्रयास पहचान के प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखने वाली बात की आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल प्रवीण, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुत ही दयनीय स्थिति, अब धीरे धीरे कर शव भी बरामद किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अंबिकापुर की खबर का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां कांग्रेस वार्ड पार्षद पति की